लोकसभा से भाजपा सांसद सुनील सोनी ने निकाय चुनाव में अपना मतदान किया है। मीडिया से बातचीत में उन्होंने उम्मीद जताई है कि भाजपा के पार्षद बड़ी तादाद में जीत कर आएंगे और शहरी सरकार भाजपा की ही बनेगी। सुनील सोनी ने यह भी आरोप लगाया है कि कांग्रेस सरकार के इशारे पर मतदान में फर्जीवाड़ा किया गया। सुनील सोनी ने संवेदनशील मतदान केंद्रों में बगैर आईडी कार्ड के वोटिंग का आरोप लगाया। मैंने अपने वार्ड के अंदर में आज मतदान किया है, इसी वार्ड में मैं पैदा हुआ हूँ और यहाँ की जनता भारतीय जनता पार्टी के पार्षद को जिताएगी। एक सवाल उठाया आपने कि फर्जी मतदान भी कराने की कोशिश की जा रही है और इसकी शिकायत भी आप तक पहुंची है, क्या ये पूरा मामला है? सैलम स्कूल के अंदर में बगैर आईडी देखे मतदान हो रहे हैं, न पुलिस रोक रही है न और कोई रोक रहा है और राज से दहशत का माहौल है। मैंने यहाँ की पुलिस को कहा भी है, कल भी कहा, शाम के भी कहा, ये संवेदनशील स्थलों में आप निष्पक्षता लाएं, ये दहशत को समाप्त करें, नहीं तो ये दहशत 5 साल तक के जो है इस शहर को बिगाड़ देगी। अप्रत्यक्ष प्रणाली पर ये चुनाव हो रहा है और आप भी इस प्रणाली के तहत एक बार महापौर रह चुके हैं, सरकार के फैसले को किस नजर से देखते हैं और जिन बूथों के दौरे कर आप लौटे हैं, आपको क्या लगता है बीजेपी के पक्ष में वातावरण देखते हैं? निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वातावरण है, भय इस बात का है कि अगर ये फर्जीवाड़ा नहीं करे तो भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े बहुमत से जीत रही है। आशंका है आपको? निश्चित तौर पे आशंका है, लेकिन उसके बावजूद मुझको विश्वास है कि जनता भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों पर विश्वास करेगी। अपने दौरे के जरिए सुनील सोनी ये दावा कर रहे हैं कि बड़ी तादाद में जन समर्थन बीजेपी को मिलेगा, हालांकि उनका ये दावा कितना सही साबित होगा ये नतीजे बयां करेंगे। कैमरामैन चोला राम के साथ आशीष तिवारी, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर। और वही रायपुर में